आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द चोक कॉइल इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो सबसे पहली बात तो ये चोक कॉइल होता क्या है। चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है जो हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के करंट्स को ब्लॉक करने के लिए, ताकि हम डीसी करंट्स पास कर सकें। ऑलराइट, जो उसका एक डिवाइस, उस डिवाइस का एक्चुअली मेन काम ही रहता है कि डीसी करंट को पास करना है और एसी करंट को ब्लॉक करना। ऑलराइट, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक स्फीयर, एक ऐसी शेल सी होती है, सिलेंड्रिकल शेल होगी जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। ऑलराइट, और उसके अराउंड यहाँ पे है ना कॉपर वायर की कॉइलिंग, कॉपर वायर की टर्निंग्स होंगी। ऑलराइट, इस तरीके से पूरे उस पर होगा। अब होता क्या है कि जो एनर्जी इसके अंदर आती है, जैसे एक वायर यहाँ से आया करंट और यहाँ से गया। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो जो चोक कॉइल में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है, फिर हमें कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के तौर पर। अब मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी कितनी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी की बात करें, लेट से अल्फा कह लेते हैं हम उसको, तो वह होता है B² / 2μ0। ऑलराइट, ये हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी होती है। तो जो चोक कॉइल होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और हीट में तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं, हीट जनरेट होती है ऑफकोर्स करंट के फ्लो के कारण, बट उस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, मैग्नेटिक एनर्जी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।